वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो पर रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस देश के अंदर केवल दो मुद्दे पर राजनीति करती रही है, भ्रम और झूठ फैलाना। अमित शाह के बयान को एडिट करके भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। देश की जनता ऐसे लोगों को कड़ा सबक सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद देश के अंदर केवल दो मुद्दे पर राजनीति करते रही है, भय दिखाना और भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति का हिस्सा रहा है। और जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान को एडिट करके दिखाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की, अपराध किया, और देश की जनता इन्हें कड़ी सबक सिखाएगी इसके लिए। और आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मीडिया का भी सामना नहीं कर पा रहे। कांग्रेस पार्टी न मीडिया का सामना कर पा रही है, न जनता का सामना कर पा रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा पाप ही किया है कि वो सबसे बचना चाह रहे हैं। जवाब देने की स्थिति कांग्रेस पार्टी की नहीं है, और कांग्रेस पार्टी जो भ्रम और भय की राजनीति करती है, उनका समय समाप्त हो गया है। कांग्रेस इसीलिए समाप्ति की ओर बढ़ रही है।